फिर से एक बार मौसम ने करवट ली। आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स, मैं हूं मायरा। आप सभी को बता दें कि आज 26 तारीख है और आज 26 तारीख को मौसम फिर से बदल चुका है। मैंने पहले भी आपको ये अपडेट दी थी कि 26 तक मौसम जो है वो ड्राई रहेगा, वेदर ड्राई रहेगा, उसके बाद बारिश और बर्फबारी का जो इम्कान है वो भी जताया गया है। फिलहाल आप देखिए 26 तारीख है और जम्मू में मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि बादल जो है अभी से छाए हुए हैं और 26 की रात से कहा गया है कि मौसम में तब्दीली जो है वो देखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 27 को पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन की बात की गई है। इसके साथ ही 28 और 29 की अगर मैं बात करूं तो पार्शली टू जनरली क्लाउडी जो है मौसम वो बताया गया है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं मार्च के महीने की, तो मार्च के महीने की शुरुआत ही बारिश और बर्फबारी से होने वाली है। तो मार्च के महीने में फर्स्ट से थर्ड मार्च की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो एट मोस्ट प्लेसेस विद हैवी रेन स्नो एट फ्यू मिडिल एंड हायर रीचेस ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड मार्च। वेदर अपडेट आपको दे रही हूँ। आपको बता दूं मैं कि इसके साथ ही कुछ प्लेसेस के लिए ये भी कहा गया है कि थंडर लाइटनिंग हेल स्टॉर्म जो है या फिर गस्टी विंड्स जो है ये भी देखने को मिल पाएंगे। जी बिल्कुल, वेदर अपडेट आपको दे दूं कि फिलहाल 26 तारीख है और 26 तारीख को आज बादल जो है चारों तरफ छाए हुए हैं जम्मू शहर के अंदर। हालांकि हमने देखा कि पहले भी 18, 19 और 20 को मौसम यहां पर खराब रहा है, रुक रुक कर बारिश जो है वो भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने जो है अपनी करवट बदल ली थी उन दिनों, और फिर आपको बता दें कि फिर से मौसम जो है सुहाना हो गया था, खुशगवार हो गया था, लेकिन 26 तारीख तक मौसम ड्राई जो है वो बताया गया था। और आज 26 तारीख है, आज 26 तारीख को बादल छाए हुए हैं और कल से आपको बता दें कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन और स्नोफॉल है जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जहां तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो सुबह से ही कभी वहां पर रिस्टोर किया जाता है रास्ते को, कभी वहां पर जो है बंद किया जाता है। लेकिन फिलहाल की आपको अभी की अपडेट में दे दूं कि अभी फिलहाल ट्रैफिक को रिस्टोर जो है वो कर दिया गया है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको जरूर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क रब्ता कॉन्टैक्ट जो है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करने से पहले अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे फिर ही आप ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आप ट्रैवल करेंगे तो रास्ते में फंस जाएंगे, और अगर रास्ते में फंसते हैं तो काफी ज्यादा परेशानियां मुश्किलें जो है वो आपकी बढ़ेंगी। और मैं आपको बता दूं कि नाशी और बनिहाल की बात की जा रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो है वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो जो है वो हो चुकी है, और मूवमेंट स्लो होने के चलते आपको बता दें कि काफी ज्यादा गाड़ियां जो है वो भी रास्ते में फंसी हुई है जिन्हें धीरे धीरे जो है वो निकाला जा रहा है। और साथ में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि आप सभी को लेन डिसिप्लिन जो है उसका पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि ओवरटेकिंग करने से बिल्कुल भी मना कर दिया गया है। उन्होंने कहा है ट्रैफिक एडवाइजरी में ये कहा गया है कि आपको ओवरटेकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको बता दूं कि जहां तक मौसम की बात की जाए तो मौसम खराब होता है, इसका सीधा सीधा असर जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखने को मिलता है। और आगे के दिनों की अगर बात की जाए, क्योंकि मौसम खराब है, मार्च के महीने की शुरुआत ही खराब मौसम से होने जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेली जो क्लोजर है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सबको बता दूं, आप सबसे अपील कर दूं कि एक बार ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करें, उसके बाद आप ट्रैवल करें, ऐसा ना हो कि आप रास्ते में फंसे। और जहां तक मौसम की बात की जाए तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैं जम्मू शहर में मौजूद हूं, यहां पर बादल छाए हुए हैं और 26 की रात के बाद से ही मौसम में जो तब्दीली है वो देखी जाएगी। फिलहाल 3 मार्च तक, 3 मार्च तक जो है इस तब्दीली को ऐसे ही देखा जाएगा जहां पर बारिश बर्फबारी थंडरिंग लाइटनिंग हेल स्टॉर्म जैसे जो हालात है वो भी देखे जाएंगे। तो फिलहाल ये मौसम की अपडेट थी, इसमें कोई भी डिटेल सामने निकल कर आती है तो आप तक जरूर जरूर शेयर की जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टेट टाइम्स।